हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ फाइट रोड्स की एक ऐसी सीरीज़ के बारे में जिसने फाइट रोड्स को एक कम्प्लीटली नया लुक दिया था। और आज की डेट में फाइट रोड्स को हम नए लुक में देखने हैं, उसके पीछे इस सीरीज़ का हाथ है, जिस सीरीज़ का नाम है चांदनी चौक टू चाइना सीरीज़। फर्स्ट पार्ट का नाम है चांदनी चौक टू चाइना, सेकेंड पार्ट का नाम है ऑल द बेस्ट। इस सीरीज़ के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस सीरीज़ का आर्टवर्क और स्टोरी बहुत बड़ी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से पेजेस में आर्टवर्क दिखा देता हूँ, देखिए। मतलब स्टोरी से ज़्यादा जो कॉमेडी एलिमेंट है वो आपको बहुत हंसा, मतलब आपको बहुत हंसी दिलाएगी और आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे। मतलब स्टोरी के हिसाब से बहुत सही आर्ट वर्क है और लेटेस्ट के हिसाब से भी देखिए बहुत अच्छा आर्ट वर्क है। मतलब अगर फ्यूचर में कभी ये सीरीज़ रिप्रिंट होती है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ये सीरीज़ ज़रूर ख़रीदें। तो थोड़े कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है स्टोरी का कि क्या होता है कि जो अपने फाइटर्स होते हैं वो जाते हैं चांदनी चौक में अपने गटर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। तो होता क्या है कि सामान तो खरीद लेते हैं सस्ते में, लेकिन वो निकलता चालू कंपनी का। तो क्या होता है जब उनको पता चलता है कि इनके साथ धोखा हुआ है तो वो डिसाइड करते हैं चाइना जाने का। दूसरी तरफ क्या होता है कि करेक्टर है, मतलब हिटलर है, जो मतलब एक तरह का, जहाँ ये देखो ये करेक्टर है वो जो एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहा है। और क्या होता है कि फाइटर टोड्स को जब पता चलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, प्लस उनको समहाउ ये पता चल जाता है कि जो ये तानाशाह है कि ये दुनिया को ख़त्म करने के फिराक में है। तो बस क्या होता है, फाइटर टोड्स जाते हैं चाइना में अपना हिसाब लेने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में तो बस मतलब एक्शन भी फर्स्ट पार्ट में तो बस माइनर से एक्शन देखने को मिलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि जो अपने फाइटर्स होते हैं ना वो इस करेक्टर से बहुत बुरी तरह से पिट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इतनी बुरी तरह से पिट जाते हैं कि लोगों को लगता है कि ये मर चुके हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि ये लोग मिलते हैं शाओलिन में, जहाँ पर जो ये करेक्टर है वो इनको ट्रेनिंग देता है। तो मतलब ट्रेनिंग मिलने के बाद क्या होता है कि इनको दिए जाते हैं नए कॉस्ट्यूम्स जो हम आज की डेट में देखते हैं। ये देखो आप, कंप्यूटर, कटर, मास्टर और शूटर, और यही जो अवतार हैं वो आज की डेट में हम देखते हैं। तो मतलब जो ये सीन है इससे ये पता चलता है कि हाँ, ये अब अपने आखिरी मुकाम पर, मतलब आखिरी स्टेज पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और इनका हौसला बढ़ाने के लिए मतलब पूरे देशवासी मतलब अपने अपने हिसाब से दुआ भी करते हैं और इनको मतलब बूस्टअप करते हैं। लेकिन इसी दौरान हमको हमारे सुपर हीरो का कैमियो देखने को मिलता है, जैसे धनंजय, शिलपात्री, नागराज, ध्रुव और डोगा। मतलब सबसे ज़्यादा यही देख के अच्छा लगा था कि मतलब अपने फाइटर टोर्स को बूस्टअप करने के लिए अपने सुपर हीरोज़ उनका मतलब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। मतलब एक होता है ना गूज बम्स वाला जो होता है, मतलब समझ लो कि बस वो ही पूरा पेज है, स्पेशली ये चार पैनल्स। तो ऑफ कोर्स लास्ट में ये हुआ कि मतलब हीरो लोग अपने विलियंस को हरा देते हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि कुछ कॉमेडी एलिमेंट्स हैं। और ये देखो आपको जो ये दो करेक्टर दिख रहे हैं ये असल में एलियंस हैं, जिनका मकसद होता है कि पृथ्वी को
तबाह करना या अपने काबू में करना, लेकिन समहाउ ये हर बार कहीं ना कहीं गलती से ही, पूरे गलती से ही हमेशा फाइटर रोड्स के द्वारा मात खाते रहते हैं। और ये करेक्टर हमको सेकंड पार्ट में भी देखने को मिलते हैं, और लास्ट में तो थोड़ा दिखाता हूँ, लास्ट में भी ये देखो, मतलब इतनी बुरी तरह से पिट जाते हैं कि ये अपनी पूरी टोली ले आते हैं और किसी वजह से ये श्रिंक हो जाते हैं। तो मतलब वैसे अभी तक ये सीरीज़ जहाँ तक मुझे याद है कभी रिप्रिंट हुई नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में ये सीरीज़ रिप्रिंट होती है तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर पढ़ें। मतलब ये पूरा पैसा वसूल सीरीज़ है, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि आपका मतलब पैसा वेस्ट हुआ है या आपको स्टोरी से कोई निराशा होगी। आपको मैं मतलब थोड़े से आपको पेजेस दिखा देता हूँ मैं आटो के फिर से, ताकि आप खुद डिसाइड करो कि आपको अगर भविष्य में सीरीज़ रिप्रिंट होती है तो आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। थोड़े से मैं ऑटो दिखा देता हूँ आपको। वैसे पर्सनली मतलब ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। मतलब वही है कि जैसे आपको बताइए कॉमेडी जो कॉमिक होती है, स्टोरी तो होती होती है बहुत बढ़िया, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है उसके मतलब डायलॉग्स और पूरा स्टोरी। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा मैटर करता है वो होता है आर्टवर्क, और कॉमेडी के हिसाब से देखा जाए तो आर्टवर्क बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब आप आर्ट को लेके कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हाँ कि बेकार आर्ट है कि फलाना ढिमकाना। मतलब आपको एक अच्छा सा फील देता है ये आर्टवर्क। हालांकि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये दोनों कॉमिक्स और ओरिजिनली मिली हैं 30-30 रुपीज़ वाली। अब तो पता नहीं कितने में रिप्रिंट होगी, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसके जैसे ये फर्स्ट पार्ट है ये 48 पेजेस का है, और जो सेकंड पार्ट है ये भी 48 पेजेस का है। ये तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट काट आउट दिखा दिया, अब मैं आपको सेकंड पार्ट काट आउट दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही बताया है, ताकि मतलब आपको जब ये सीरीज़ पढ़ो तो आपको ये पता चले कि जो वो हिटलर है, मतलब तानाशाह है, उसका मकसद क्या है, वो किस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहा है, कैसे फाइटर टोड्स उसको रोकेंगे। मतलब आपको मतलब कैसे फाइटर टोड्स को उसके बारे में पता चला, मतलब जैसे ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपको मतलब बहुत मज़ा आएगा ये सीरीज़ पढ़ के। मतलब हो सकता है कि जब ये सीरीज़ रिप्रिंट मतलब और आई थी तो काफ़ी कुछ लोगों को पसंद ना आई हो, लेकिन मोस्टली ये लोगों को पसंद आई है ये सीरीज़। और एक बार फिर से यही कहूँगा, हालांकि मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँगा, लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर फ्यूचर में ये सीरीज़ रिप्रिंट होती है तो आप इसको ज़रूर खरीदिएगा। मतलब आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि आपका पैसा वेस्ट हुआ है, और कुछ भी मतलब स्टोरी बिल्कुल शानदार है, जानदार है। और मैं आपको बता देता हूँ जो राइटर हैं वो है नितिन मिश्रा, और जो आर्टिस्ट हैं वो हैं स्तुति मिश्रा, और इन दोनों की जोड़ी को हम मतलब काफ़ी बढ़िया जोड़ी है, मतलब स्टोरी और राइटिंग के मामले में, और आर्टवर्क भी बहुत अच्छा दिया है। और सेम जोड़ी हमको मतलब देखने को मिलती है इनकी वही थी ना समुद्री लुटेरी सीरीज़। वो अगर ये सीरीज़ 10 में से 10 वाली है तो वो तो 100 में से 100 वाली है। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर ये सीरीज़ यहाँ है, मतलब अगर मान लो कि ये पूरा एक वो है, अगर मैं ये मान लो कि ये सीरीज़ यहाँ आती है इतने लेवल तक, तो वो जो समुद्री लुटेरे सीरीज़ है वो उससे 4 गुना आगे है। तो
उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा समुद्री लुटेरी सीरीज के बारे में, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।